रुको सारे बोलो। मैंने तो सो गाइस मतलब मंदिर के पास वाले गांव दिखाऊं तो मैं आपको काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। वो देखिए वहां पे हाइट में गई गाइस, मतलब लोकेशन इतनी अच्छी है ना, मैं क्या बताऊं। मैं बोलती हूँ सफाई तो बिल्कुल मतलब इतनी अच्छी है ना यहाँ पे। सो गाइस ये देखिए छोटी सी गार्डन जो कि बहुत ही अच्छे से मतलब पेड़ पौधे लगाए हुए सजा। तो सो गाइस ये है मेरा सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट वन आपने देख लिया है और ये सेकंड पार्ट पार्ट टू है। तो अभी जा रही हूँ मैं देवरी माता मंदिर जो कि ऊपर है, मैंने नहीं देखा है कभी। चलिए मैं भी देख लूंगी, इस बहाने आपको भी दिखा दूंगी। तो चलिए ऊपर चलते हैं, शायद आपको भी पार्ट टू पसंद आ जाए। तो चलिए मेरे साथ आइए। अरे मुस्कान पहुंच गई सबसे आगे भाई, बाकी नीचे से आ रहे हैं। हाँ जी हेलो, क्या बोल रहे थे? नहीं नहीं आप बोल रहे थे। तो गाइस पौड़ी चढ़ने के बाद आ गए। अब ये स्लेट वाले रास्ते, ये देखिए स्लेट वाले क्या बोलते हैं इनको, पता नहीं रास्ते। तो बस यहाँ से थोड़ा सा ही पैदल है चलने के लिए आगे तक, तो बस अभी पहुंच जाएंगे हम थोड़ी देर में। और ये देखिए मैंने बाजू निकाल दिया थी। देखिए फाइनली अभी हम पहुंचने वाले हैं और गेट तक। तो मेरे को तो यहाँ से ही दिख रहा है भाई, काफी ज्यादा अच्छा है आगे ऐसा लग रहा है। इसलिए हमने मेन गेट पार कर लिया है, अब देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आपको घर मिल रहा है देखने को, ये देखिए। और यहाँ पे शॉप है ये देखिए। तो बस अभी यहाँ से आगे चलते हैं, हम कहीं गलत तो नहीं आ गए। तो सो गाइस अंदर से आपको दिखाते हैं मंदिर माँ दुर्गा का जो कि देवरी गांव में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ये गेट, आइए चलते हैं अंदर। आइए मंदिर, जैसा मैंने बताया कि जय माँ दुर्गा का है और यहाँ पे भी लिखा गया हुआ है, ये देखिए ग्रीन कलर से जय दुर्गा माता। और अंदर दिखाते हैं आपको, आइए अंदर दिखाऊंगा। यहाँ पे अभी ताला ही लगा है तो देखना मुश्किल है, हो गया मुश्किल हो गया थोड़ा। तो खैर बाहर दिखाती हूँ आपको, ये देखिए माँ के रक्षक शेर भगवान जी, ऐसा लग रहा है कि असली वाले हैं यार। और बाकी मंदिर देखिए क्या सही वाला, फूल कितने अच्छे से बने हुए हैं। ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, सब भी फूल मतलब सबका डिजाइन ना अलग है। ये देखिए ऊपर से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। तो बाकी अभी यहाँ से चलते पीछे। वाह आओ आओ, क्या अच्छा है भाई। आपको मंदिर के इस दिखाते हैं आपको मंदिर के इर्द गिर्द। तो चलिए आइए, वाह क्या सही गांव है ना। और ये देखिए कितने सही से बनाया है, ये देखिए कितने अच्छे से बनाया गया। और यहाँ पे देखिए, और ये वाह इतने पेड़ में यहाँ देखो लीची लगी हुई है भाई, मंदिर के पास लीची। बाकी इधर को भी सेम वैसे ही जैसा परे था सेम वैसे इधर को भी है। और को भाई बहुत ही अच्छा है, और बार भी दिखा दूंगी मैं आपको थोड़ी देर में। तो बस पहुंच के हम फाइनल माँ के मंदिर, एक बार फिर से जय करते हैं यहाँ पे, जय माता। गाइस मतलब लोकेशन इतनी अच्छी है ना, मैं क्या बताऊं। और ठंडी ठंडी हवा चली हुई है, ये देखिए कैसे उड़ रहे मेरे कपड़े। और पीछे अभी मम्मी मम्मी के फ्रेंड्स सभी फोटो क्लिक कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है इन लोगों को। तो ये देखिए काफी ज्यादा हंसते हैं, तो ऐसे 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 करके पीछे चलते हैं। ये देखिए बहुत ही ज्यादा खुश हो गए सभी, हो गया है ना जोर से। जय जी सभी, खाना खाया हुआ है सभी ने, तो जोर से बोलिए सारे बोलो। मैंने आपको गाऊं, ये देखिए
पीछे को घर ही घर भाई, काफी बड़े बड़े घर है और काफी सुंदर है और मतलब ट्रेडिशनल भी घर भी है यहाँ पे गांव में। और बाकी मैं बोलती हूँ सफाई तो बिल्कुल मतलब इतनी अच्छी है ना यहाँ पे। और ये देखिए छोटा सा पार्क बनाया हुआ है जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है भाई, काफी ज्यादा सुंदर। ये देखिए गाइस, और मंदिर के बीच में ना इतना बड़ा मतलब एक पेड़ भी है और सामने मंदिर है। तो सो गाइस, मतलब मंदिर के पास वाले गांव दिखाऊं तो मैं आपको काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। वो देखिए वहां पे हाइट में वहाँ भी एक मंदिर है बट हम वहाँ नहीं जाने वाले अभी। तो वो देखिए गांव, ये भी काफी ज्यादा प्यारा है यार। हमारा हिमाचल बोलूँ तो ना काफी ज्यादा प्यारा है, घूमने को इतने ज्यादा मतलब प्लेसेस है ना, और इतने अच्छे अच्छे है ना, पहाड़ ऊपर चढ़ते जाओ जितना मर्जी जाते जाओ कुछ ना कुछ मिलता रहता है। तो ये देखिए मंदिर, परे दिखा रही है मैंने आपको यहीं से, परे तो जाने वाले है नहीं तो यहीं से जाकर लेते हैं। तो मंदिर काफी ज्यादा अच्छा है। और चलते अब घर की ओर, ऐसा बोल रहे थे बट देखते हैं नीचे अगर एक और मंदिर मिल गया तो फिर हम नीचे चलेंगे। मंदिर के आसपास मतलब बेंचेस भी लगे हुए हैं, इतना अच्छा मंदिर है ना, मैं तो बोलती हूँ भाई मेरे को तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये देखिए छोटी सी गार्डन जो कि बहुत ही अच्छे से मतलब पेड़ पौधे लगाए हुए सजाई गई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। पीछे मंदिर भी देख सकते हो आप, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूछ रहे भाई देवरी गांव वाले, वो कहाँ पड़ा? बुजौरा, बुजौरा पता है आपको? बुजौरा कुल्लू, बुजौरा पता है? क्या नाम बताया आपने जगह का? गई गई हो? ये कैसी काम है? मेरा नाम, अंकल भाई मतलब पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ से है। मैंने बोला कि मैं अंजना ठाकुर, बोले कैसे पता नहीं चला। अभी कुछ खाने का मन कर रहा था चटपटा सा, तो बस यहाँ पे अभी मुस्कान ले रही है कुछ खाने के लिए, तो बस अभी पैक हो गया हो रहा है। और दीदी भी बहुत अच्छे है मतलब अच्छे से बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। दीदी एक बार हेलो बोल सकते हैं आप यहाँ को? हेलो, देखा कितने अच्छे है। सुनो, आधे रास्ते से वापिस आना पड़ा क्योंकि दीदी भूल गए थे यहाँ पे बॉटल, तो बस माता ने ना मेरे को फिर से बुला दिया कि बोला कि बॉटल ले आ जा, भूल गए। बस मुस्कान वहां पे वेट कर रही है, वो परे जाके देखिए जल्दी से चलते हैं अब। तो सो गाइस अभी हम लोग वापस आ गए हैं और अभी बज गए हमारे 12। हम गए भाई दो जगह, पिछले वाले ब्लॉग में तो देखा आपने कि हम गए थे शंगड़, आज वाले ब्लॉग में देखा हम पहुंच गए हैं देवरी, तो दुर्गा माता मंदिर। तो बस अभी हम वापिस आ रहे अब घर। क्या हो गया, क्यों चुप गए? ये देखिए उन्हीं पौड़ियों में पहुंच गए, उन्हीं पौड़ियों में पहुंच गए। गाड़ी भी दिखेगी आपको हमारी फिर से, वो देखिए हमारी गाड़ी वो पर जाके। और लेट हो गए, ऐसा बोल रहे कि जल्दी जल्दी आओ क्योंकि गांव में थोड़ा सा फंक्शन है, तो करके मम्मी बोल रहे जल्दी जल्दी आ, जल्दी जल्दी आ भाई, जल्दी जल्दी आ। पर देखिए काम करने को भाई क्या तेज लोग है भैया, आपके बहुत ही ज्यादा तेज है काम करने।